पिछले 6 महीने में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मई महीने में की गई थी। कपाट खुलने के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अब कपाट बंद होने से ठीक पहले भगवान के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से केदारनाथ धाम में हैं और उनके साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी। पूजा अर्चना आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री करेंगे, करीब 25 मिनट तक यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद 5 वो प्रोजेक्ट हैं जिनकी आधारशिला रखी जानी है, जिनका शिलान्यास किया जाना है और ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके के लिए, केदारपुरी के लिए। खासकर 2013 की आपदा के बाद जिस तरीके से पुनर्निर्माण की जरूरत थी उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से आज उठाया जाएगा। और चाहे 2014 के लोकसभा इलेक्शन की बात हो या फिर उत्तराखंड के चुनाव से पहले की बात हो, केदारनाथ के प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं, उत्तराखंड के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके पुनर्निर्माण की बात की गई थी और उसी दिशा में प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और इस वक्त प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मई महीने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री केदारनाथ में मौजूद हैं। करीब 20 से 25 मिनट तक यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी जिस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहां पर साथ में रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से भी पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी यहां पर बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिवाली का पर्व भी कल मनाया गया है, ऐसे में मंदिर को फूलों से और लाइट से बेहद खूबसूरती से सजाया गया और प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए भी यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उनके साथ और अब से कुछ देर बाद अंदर जाकर गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास की बात कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं और 2013 की आपदा के बाद जिस तरीके से पुनर्निर्माण की जरूरत है केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके को, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज 5 प्रोजेक्ट के शिलान्यास के जरिए प्रधानमंत्री उठाने जा रहे हैं। और ये वो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जिस तरह से हमारे सहयोगी मनमोहन भी बता रहे थे कि किस तरह से राज्य सरकार की तरफ से भी यहां पर तैयारियां की गई और राज्य सरकार की तरफ से जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार की परमिशन मांगी गई थी केंद्र सरकार की, उनको मंजूरी मिली और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर खुद पहुंचे और शिलान्यास भी करेंगे। किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ से। मई महीने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मौजूद हैं केदारनाथ धाम में।